वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरीन। तो आज आप स्टूडियो में देखने वाले हैं स्कूल लाइफ फर्स्ट डे वर्सेस लास्ट डे। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं इस वीडियो को एम करती हूं 70,000 लाइक्स। तो चलिए देखते हैं। ओफो, अभी तक तो सिर्फ 4 ही बजे, पता नहीं 7 कब बजेंगे। चलो अभी सो जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उठूंगी। 7 बज गए क्या? ओह नो, अभी तक तो 6 भी नहीं बजे। आज तो मैं कितना सो रही हूँ फिर भी ये टाइम नहीं निकल रहा। छोड़ो, 7 तो बज नहीं रहे ना, एक काम करती हूँ, मैं उठ जाती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। वैसे भी आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है और मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हूँ, इसलिए मैं जल्दी से उठकर रेडी हो जाती हूँ और फिर स्कूल चले जाऊंगी। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। रिया उठो, स्कूल के लेट हो जाओगी तुम। उठो, 5 मिनट। कोई 5 मिनट 5 मिनट नहीं है, जल्दी से उठो, आँख खोलो अपनी। उफ, ये किचन में मैंने दूध चढ़ा रखा। अरे जल्दी उठो रिया, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी मैं। पता नहीं उठी भी या नहीं। अरे रिया उठ जा, देखो अभी तक नहीं उठी, उठ जा। अरे उठ जा, क्या खाकर सोई थी जो इतनी गहरी नींद आ रही है? उठ रही हूँ, कोई भी मुझे आराम से सोने नहीं देता। पता नहीं ये सुबह सुबह स्कूल क्यों होता है, स्कूल होता ही क्यों है। मैं इतना अच्छा ड्रीम देख रही थी, वो भी टूट गया। चलो अब मैं अपनी यूनिफॉर्म निकाल लेती हूँ। यूनिफॉर्म तो मैंने पहन लिया, जल्दी से बाल बना लेती हूँ। अरे अभी तो 7 ही बजे हैं। कोई बात नहीं, मैं ना जल्दी स्कूल चल जाती हूँ, वैसे भी आज मेरा फर्स्ट डे है, लेट थोड़ी होंगी मैं। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ओफो, अभी तो यूनिफॉर्म भी चेंज करनी होगी यार। ऐसा क्यों नहीं होता कि घर के कपड़ों में ही स्कूल होता? इसको क्या हो गया, इतने गंदे तरीके से अटक गई है शर्ट इसमें। निकल। ओफो, ये तो आयरन भी नहीं हुई हुई है। एक काम करती हूँ, ऐसे ही पहन लेती हूँ, स्कूल जा रही हूँ, शादी में थोड़ी जा रही हूँ। बालों में कॉम्ब करने का टाइम ही नहीं बचा है, हाथ से ही कर लेती हूँ। ठीक है, अब तो ठीक लग रही हूँ, चलो चलो भागो। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। मैं चाहती हूँ कि मेरी बुक्स हमेशा ऐसी ही रहे, न्यू, बिल्कुल न्यू। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इन बुक्स पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी, सभी बुक्स को हमेशा मैं न्यू रखूंगी और उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब खो गया मेरा बैकपैक। बुक नहीं लेकर जाऊंगी, बहुत ज्यादा मोटी है, किसी से क्लास में ले लूंगी। ये सारी बुक्स डालकर ना मेरा बैग बहुत भारी हो जाता है और फिर मैं ये बैग उठा उठा कर थक जाती हूँ, इसलिए नहीं लेकर जाऊंगी। उफ, पेन गिर गया। अरे आप रुक जाओ, मैं आपको पेन उठाकर देती हूँ। ये लो। थैंक यू। वेलकम। तुम तो बहुत ही अच्छी हो, व्हाट्स योर नेम? रिया। ओ, माय नेम इज चिंकी। ओ नाइस नेम। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? फ्रेंड्स? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ तुम मेरे घर पे आना, हम दोनों खूब खेलेंगे वहाँ। हाँ गुड आइडिया, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ओए रिया, मेरा पेन उठा कर दियो। चल चल, मैं क्यों दूँ, तू तो बोल ऐसे रही है जैसे मैं तेरी नौकर हूँ। तो तुझे उठा कर दूंगी पेन, खुद उठा ले चल, मोटी बस बैठ कर ऑर्डर देना आता है। चल चल, अब ज़रा लेक्चर मत सुना मुझे, चुपचाप से पेन उठा कर दे दे, नहीं उठा कर दिया ना तो यहीं पर मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अच्छा तू मुंह तोड़ेगी मेरा? हाँ तू तोड़ेगी, चल तोड़ कर दिखा। रुक जा, आ जा अब तू, आ जा। Thank you.
कल तो मेरा टेस्ट है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कैसे करूंगी मैं प्रिपरेशन, अभी से ही लग जाती हूँ सब कुछ करने में। आज अच्छे से मेहनत करूंगी ना तो कल टेस्ट मेरा अच्छा जाएगा। अब अभी से ना सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे कल के टेस्ट में ना फुल मार्क्स लाने हैं। ये टीचर्स का भी ना रोज का एक ही काम है, बस जब देखो टेस्ट 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 टेस्ट, और कुछ तो है ही नहीं। तो अब अभी ये सब पढ़ना पड़ेगा, बाद में ना रात को सोने से पहले पढ़ लूंगी, सब कुछ याद रहेगा। हाँ, अरे महारानी थोड़ा पढ़ भी ले, थोड़ा पढ़ लेगी तो तेरी ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी। 100-200 ले ले लेकिन पढ़ ले तू। अरे मम्मा इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है नहीं जो मैं पढ़ू, मैं चीटिंग करके ना पास हो जाऊंगी। हाँ हाँ बस यही तो आता है तुझे, चीटिंग वीटिंग ना कुछ काम नहीं देगी, कभी पढ़कर पास हो जा, पढ़कर पास होगी ना तो उस दिन खुशी होगी तुझे और मुझे भी। मम्मा मैं जब चीटिंग करके पास होती हूँ ना तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं इस लड़की को अकल कब आएगी। तो स्टूडेंट्स आज आपकी फर्स्ट क्लास है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैम मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और आप ना बहुत अच्छी हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है लेकिन आप मेरी फेवरेट बन गई हो आज ही। ओ थैंक यू बेटा। मेरा तो दिल ही नहीं है कि मैं स्कूल से जाऊं, मैं तो ये सोच रही हूँ मैम कि स्कूल 2 बजे के बजाय शाम के 6 बजे तक का होना चाहिए, ज्यादा टाइम स्पेंड करती मैं स्कूल में। ओ ग्रेट बेटा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अरे चुप हो जाओ बच्चों, कितना शोर मचाते हो तुम लोग, ये बच्चे हैं या कोई राक्षस? चुप होने का नाम ही नहीं लेते ना, मेरी बात सुनते हैं। अरे शोर मचाना बंद कर दो। मचाते रहो शोर तुम लोग, इनके बीच में रही तो मेरा तो माइग्रेन का दर्द और बढ़ जाएगा। नहीं मैं नहीं रह सकती। बेटा तेरी तबीयत खराब है, तू क्यों पढ़ रही है अभी? मत जाना कल स्कूल, छुट्टी कर ले। नहीं मम्मा अभी तो मुझे स्कूल गए हुए 2 ही दिन हुए हैं तो मैं छुट्टी नहीं करूंगी। और मम्मा मैं एक भी छुट्टी नहीं करना चाहती। बेटा तेरी तबीयत भी तो इतनी खराब है, देख कितनी खांसी हो रही है। नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, आप जाइए मैं पढ़ लेती हूँ। यार बहुत दिन हो गए स्कूल की छुट्टी नहीं की मैंने, और स्कूल में आजकल देख रही हूँ कुछ इतना हो भी नहीं रहा है, तो एक काम करती हूँ कल ना पेट दर्द के बहाने से मम्मा को बोलूंगी कि मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है और वो मेरी छुट्टी करा देंगी। वैसे भी बहुत बोर हो गई मैं स्कूल जा जाकर, अब नहीं जाना मुझे। एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी ना, कल पूरे दिन टीवी देखूंगी और खूब सारे मजे करूंगी। चिंकी और मीना को भी बता देती हूँ कि वो ना आए, वो भी यही बहाने कर देंगी। हाँ स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है, तो प्लीज लिसन केयरफुली, मैं जो बता रही हूँ वो अच्छे से सुनना। तो नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल में एक डांस कॉम्पिटिशन है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दीजिए, तो मैं कंफर्म कर लूंगी कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। मैम 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 मैं तो जरूर करूंगी पार्टिसिपेट, मेरी तो हॉबी डांस है, मैं तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगी मैम। वाओ बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग मेरे पास अपना नाम लिखवा दो एक बार। ओके मैम। तो बच्चों हमारे स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन है, तो बताओ आप लोग में से कौन कौन इंटरेस्टेड है इसमें? मैम मैं तो नहीं करूंगी पार्टिसिपेट, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन चीजों का, मैं भी नहीं कर रही पार्टिसिपेट, फालतू में दिमाग खराब होगा। सही है, मुझे तो पहले से ही पता था कि ना इन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है और ना ही किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, फालतू में ये प्रिंसिपल भी मुझे नई नई एक्टिविटीज के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए बोल देती है। अरे जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो। अरे बेटा आ गई तुम, वैसे तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी देखकर तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत ही अच्छा था। हाँ मम्मा आपने बिल्कुल सही कहा, आज का दिन ना मेरा बहुत अच्छा था, और आपको पता है मैंने बहुत सारे न्यू अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, और हाँ मम्मा आपको पता है मैंने तो एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी किया है। अरे वाह बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके मम्मा मैं ना अभी अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आप मुझे खाने के लिए दे देना। हाँ बेटा तुम जाओ मैं खाना लगाती हूँ। अरे मेरी माँ पहले यूनिफॉर्म तो चेंज कर ले, आते ही टीवी का रिमोट लेकर बैठ गई। कर लूंगी मम्मा, पहले आप मुझे कुछ खाने लग दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। बस खाना लगा दो। इतनी स्टाइल से
अच्छा चलो, मेरी तो हॉबी डांस ही है और उधर मुड़ जाओ तुम। तेरा साया देख के ढूंढ लिया। हिंदू पे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और मैं इस प्रोग्राम को करती हूँ 70,000 लाइक, तो जल्दी से आप लोग लाइक करके इस एम को पूरा कर दीजिए। और मेरे ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे न्यू चैनल समरीन अली ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट डे का पार्ट अच्छा लगा या लास्ट डे का। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।